हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सभी ग्रहों में प्रसिद्ध चंद्रमा ग्रह के बारे में। जानेंगे चंद्र ग्रह की विशेषता, शुभ व अशुभ प्रभाव, चंद्रमा कुंडली के अंदर विराजमान उच्च नीच के कैसे प्रणाम देते हैं, वह कुंडली के अंदर चंद्र की क्रूर दृष्टि व चंद्र खराब स्थिति में विराजमान तो क्या करें उपाय जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और पास के घंटे आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म व ज्योतिष संबंधी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके भी मन में ऐसे ही सनातन धर्म या फिर ज्योतिष संबंधित कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षण होता है और स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है। व्यक्ति की यात्रा करने में रुचि होती है। लग्न भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रबल कल्पनाशील व्यक्ति बनाता है। इसके साथ ही व्यक्ति अधिक संवेदनशील और भावुक होता है। यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह एक राशि में 2 दिन तक रहता है। इसकी शक्ति सुख शांति देने की है। माता का प्यारा, पूर्वजों का सेवक, नक्षत्रों और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र सूर्य, बुध, राहु और केतु शत्रु हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम हैं। चंद्र ग्रह ही सभी देवता, पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का अपयन करते हैं। बलि चंद्रमा के प्रभाव। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बलि हो तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक के माताजी के साथ संबंध मधुर होते हैं और माताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पीड़ित चंद्रमा के प्रभाव। पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है। इस दौरान व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। माताजी को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। वहीं घर में पानी की कमी हो जाती है। कई बार जातक इस दौरान आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है। रोग। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित होता है तो जातक की सेहत पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, शरीर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोशी आदि की समस्या होती है। कार्यक्षेत्र। ज्योतिष में चंद्र ग्रह से सिंचाई, जल से संबंधित कार्य, पेय पदार्थ, दूध, दूध उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, मछली, नौसेन, टूरिज्म, आइसक्रीम, एनिमेशन आदि का कारोबार देखा जाता है। चंद्रमा का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रह को चंद्र देवता के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार चंद्रमा जल तत्व के देव हैं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है। सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है। अतः जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक की होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हैं। पौराणिक शास्त्रों में चंद्रमा को बुध का पिता कहा जाता है और दिशाओं में यह वायव्य दिशा का स्वामी होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हिंदू ज्योतिष में चंद्र ग्रह का महत्व कितना व्यापक है। मनुष्य के शरीर में 60% से भी अधिक पानी होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रमा मनुष्य पर किस तरह का प्रभाव डालता होगा। चंद्रमा को मजबूत करना हो तो, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो मोती युक्त चंद्र यंत्र गले में धारण करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रमा के उपायों के बारे में। सोमवार का व्रत 5 या 11 या 43 बार रखें।
शिव जी का पूजन करें, अमरनाथ जी की यात्रा या पूजन करें, द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजन करें वह यात्रा करें, चावल चांदी दूध आदि का दान करें, सच्चे मोती धारण करें, मोती के अभाव में चांदी धारण करें, दूध का बर्तन रात को सिरहाने रखकर सुबह कीकर या यज्ञ वृक्ष में डालना, माता सास मासी मामी घर में बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद ले, चार पाई के पायों में चांदी की कील गड़वाएं, शमशान भूमि में स्थित कुएं पर कभी कभी स्नान करना या चावल या चांदी शमशान की चार दीवारी के अंदर गिराना, चलते पानी में स्नान करना, छत पर पानी की टंकी गोल न बनाना, पानी टंकी को 3-4 महीने में सफाई कर बरते रहना, घर में कहीं भी पानी सड़ने पर चंद्रमा रुष्ट होता है, सीढ़ियों के ऊपर सामने हेडपंप न रखना, घर की छत के नीचे कुआं या हेडपंप न लगाना, चंद्रमा उच्च का हो तो चंद्र की चीजों का दान न देना, चंद्रमा नीच का हो तो चंद्र की चीजों का दान न लेना, शिव चालीसा का नियमित पाठ करें, चंद्र पीड़ा का विशेष शांति हेतु चांदी मोती शंख सीप कमल और पंचगव्य मिलाकर 7 सोमवार तक स्नान करें, पंच धातु के शिवलिंग का निर्माण करके उसका यथा योग्य पूजन करने से चंद्रमा पीड़ा शांत होती है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें या महामृत्युंजय का अपने घर में यज्ञ करवाएं, सोमवार के विधिवत व्रत करें व व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। तो मित्रों ये तो थी चंद्रमा ग्रह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, धन्यवाद।